सकता नहीं। जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। जनपद फिरोजाबाद में सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार गौवंश की सेवा करती तो किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता। उन्होंने कहा कि विधायक बनने पर 101 दिन के अंदर ही गौशालाओं का निर्माण कराऊंगा जिसमें गाय और नंदी रहेंगे। सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में किसानों को गाय द्वारा खराब हुई फसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पेयजल की व्यवस्था भी सही की जाएगी। अगर कोई भी अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो वो मेरे यहाँ पंजीकरण करा दे ताकि मैं कन्यादान ले सकूं। जो भी भाई अपने बिटिया का मुझे सौभाग्य देते हैं कन्यादान लेने का, वो आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बात, जो समिति के लोगों ने पहले सहयोग किया है, वह भाइयों ने जिनके पास कार्ड है। विधानसभा चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे अपने असली रंग पर आता नजर आ रहा है। सिरसागंज विधानसभा सबसे चर्चित एवं संघर्षशील सीट में इन दिनों सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी गांव-गांव जाकर अपने समर्थकों और मतदाताओं से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर घर घर जाकर बुजुर्गों, किसानों और युवाओं से वोट मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो विधानसभा क्षेत्र में कई गौशालाओं का निर्माण कराऊंगा। मां भवानी सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के 5,000 युवाओं को निजी सेक्टर में नौकरी दूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा विधानसभा क्षेत्र के कई संपर्क मार्गों की स्थिति बेहद खराब है, विधायक बनने पर सभी समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गरीब कन्याओं का निशुल्क विवाह का आयोजन होगा। आपका भाई विधायक बनेगा तो उन लोगों में से 5,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवाने का कार्य करूंगा 101%। नेताओं को तरह झूठे भाषण देता नहीं हूँ, जब कहता हूँ करता हूँ। आज तक किसी से वादा करके तोड़ दिया, एक आदमी ने कहा डंडे की चोट पे कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, जो नेता कोई नहीं कह पाया। क्योंकि सुनो क्या कहते हो, शाम को क्या कहते हो, करते क्या है, आप लोग सब जानते हो। आपने अपने क्षेत्र से जो विधायक चुना है वो सेवक के रूप में काम करता है या शासक के रूप में काम करता है, आप लोग भली बात जानते हो। कोई गठभेद की कृपा से जो मैंने अभी तक गरीबों की सेवा की है, अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो विधायक के रूप में उससे 10 गुनी सेवा करूंगा जो मैंने अभी तक की है भाइयों। जब डीबी भारती समाचार की टीम ने विधानसभा सिरसागंज के गांव गंगा में लोगों से उनका मत जाना तो अधिकतर लोग पंकज मिश्रा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को जिताने की बात करते नजर आए। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार। अधिकांश राजनीतिक पार्टी अपने जोर शोर चुनाव प्रचार में लगी है। इसी क्रम में 99 विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज के गाँव नगला गंगा में बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क चल रहा है। जानते हैं उनसे, उनके लोगों से जानते हैं वो किस प्रकार जनसंपर्क करें, किन किन मुद्दों पर वो अपना जनसंपर्क मांग रहे हैं। आपका क्या नाम है? रामनगर सरगर जी, आप किन किन मांगों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और वो क्या क्या आप विकास कार्य कर रहे हैं? महंगाई, रोड और झूठे वादा और आपके ये सरकार बनाती चुटिया के करोना वो, ये हम लोगों को कभी 200 रुपए सारे झूठे वादा कर रही है, इसलिए हम बीएसपी को वोट देंगे। इरादा ये है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। बहन बेटी की सुरक्षा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में होती है। दूसरी बात, आज जो वर्तमान में सरकार है उसने हमारी रोजी रोटी बुरी तरह से छीन रखी है। दूसरी बात, इन्होंने धर्म की आड़ में अपने अपने कर्म छिपाने में लगे हैं। इनके पास किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। इन्होंने तो गरीब जनता को मार दिया। ये पूरा क्षेत्र जानता है, आज से नहीं कई सालों से सामने करते चले आ रहे हैं। सभी जानते हैं, सभी जानते हैं सभा से आदमी कितना दुखी है, सभी जानते हैं। लोग बोलते नहीं है डर की वजह से, अगर वो बोलते हैं इश्तेहार देते हैं तो शाम को उनको दबा दिया जाता है, उनका तो मुंडा राज है। ये तो आपको जानकारी हुई नहीं, बहुत सुनो मीडिया दिखाते नहीं है। पहले 2007 में नहीं दिखाया था उन्होंने, जब सरकार बनी थी बहुजन समाजवादी पार्टी की,
और फिर बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से बनेगी। मुझे पंकज मिश्रा चाहिए विधायक। ये 2011 से शादी कर रहा, कन्याओं गरीब की अमीर की सबकी कर रहा है। ऐसा विधायक चाहिए बहुजन समाज पार्टी को। बहन जी मुख्यमंत्री बननी चाहिए। संकल्प लेकर निकला हूँ मार्केट तो, और एक हमारे क्षेत्र में जो किसान भाई हैं इस समय गाय और नंदी बाबा से परेशान है। 101 दिन के अंदर 1000 गाय के गौशाला का निर्माण कराऊंगा, जिससे कि क्षेत्र के किसान भाई हमारे खुश रहें, क्योंकि वो बेचारे दिन रात जाग के रात को पानी लगाते हैं, 3-4 महीने फसल अपनी बनाते हैं, एक दिन में गाय माता, क्योंकि गाय माता भूखी है तो क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं खाएगी, उसके अगर खाने पीने की व्यवस्था सही तरीके से हो जाएगी रहने की तो इधर उधर नहीं होगी। दूसरी बात, जिस तरीके से मेरे साथ के लोग गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह कराते थे, अब उन सब ने निर्णय लिया है, क्योंकि कोविड चल रहा है, अभी परमिशन मिल नहीं रही भीड़ भाड़ के लिए, जो भी भाई हमारी कमेटी से या हमसे कन्यादान कराना चाहता है हमारे कार्यालय पर संपर्क करें, उसके गांव में जाके कोविड नियमों के आधार को मान के सिंगल सिंगल करके कन्यादान की विवाह की व्यवस्था की जाएगी। तीसरी, चुनाव जीतने के बाद 5000 युवाओं को 6 महीने के अंदर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलवाऊंगा। ये 3 हमारे मुख्य, बाकी तो मेरे पूज्य गुरुदेव श्री नाथ बाबा जी हैं, उन्होंने कहा जियो और जीने दो, उसी में मेरी जिंदगी चलती है, मौत निश्चित है, सिर्फ कर्म ही साथ में जाएंगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव से मुझे सीखने को मिला है, उसी पर मेरी जीवन चलता है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।